सफलता पूर्वक जो लैंडिंग की है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आज देखिए, भारत ने विश्व में एक अपनी अलग पहचान बनाई है। चंद्रमा के दक्षिणी भूभाग पर लैंड करवाने वाला अपना चंद्रयान भारत पहला देश बन गया है, और ये सब भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के प्रयासों से संभव हुआ है। जो भारत ने इतिहास रचा, इसरो के साइंटिस्टों के क्या कहना चाहोगे? जो सब चंद्रयान 2 का जो असफल लैंडिंग हुई थी, आज इतने साल बाद सफलतापूर्वक किए, उसके साइंटिस्टों के लिए आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, असफलता ही सफलता की तरफ कदम ले जाती है। माननीय प्रधानमंत्री ने जब चंद्रयान 2 की असफलता पर वैज्ञानिकों का हौसला अफजाई किया था, तो उन्होंने दुगुनी मेहनत से इस ओर काम किया, और आज उसका पूरा जो श्रेय है वो माननीय प्रधानमंत्री और जो हमारे वैज्ञानिक है उनको जाता है, और पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है कि भारत ने विश्व में अपनी जो पहचान बनाई है वो काबिले तारीफ है। की सफलता लैंडिंग के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं? जय हो। देखिए, राष्ट्रीय गौरव का विषय है। मैं भारत के वैज्ञानिकों के चरणों में नमन करता हूँ। भारत का गौरवशाली इतिहास रहा है, भारत ने पूरे विश्व का नेतृत्व किया है, और मुझे उम्मीद है कि भारत के जो वैज्ञानिक जिस तरह से काम कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री का जो उनको पूरा सहयोग है, उनकी तरफ पूरा मोटिवेशन है, निश्चित रूप से भारत विश्व गुरु फिर बनेगा और विश्व के पटल पर एक बड़े सूर्य की तरह उदय होगा। जो हर जगह हवन किए गए, इतना मतलब लोगों ने दुआएं की कि चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लैंडिंग हो, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं लोगों के लिए? देखिए, मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी जी ने ये बता दिया कि देश के लिए इस चंद्रयान का जो प्रक्षेपण है और जो वहाँ पर उन्होंने आज लैंड किया है, और उसके बाद उन्होंने आगे की भावी योजना भी बता दी कि मंगल ग्रह और शुक्र भी हमसे दूर नहीं है, चंदा मामा दूर के नहीं है, तो एक टूर के हैं। तो निश्चित रूप से ये देश के लिए गौरव का विषय है कि विश्व में पहली बार किसी देश का लैंडिंग जो है वो चंद्रयान पे हुई है, चंद्रमा पे हुई है, और आने वाले टाइम में मंगल ग्रह और शुक्र भी हमसे दूर नहीं रहने वाले हैं। भारत के वैज्ञानिकों को बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ, और देश का नेतृत्व जब तक मोदी जी करेंगे, मुझे लगता है कि मंगल और शुक्र भी हमारे उतने ही नज़दीक होंगे जितना चंद्रमा है। धन्यवाद। देखिए, ये पूरे देशवासियों के लिए जो है वो बहुत ही खुशी का अवसर है, और इसके लिए मैं पूरे हमारे जो भी वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, उन सभी बंधुओं का बहुत बहुत, पूरी इसरो टीम का बहुत बहुत आभार, और साथ ही मैं आभार दूंगा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, जिनकी विल थी, जिनकी दृढ़ इच्छा शक्ति का ही नतीजा है कि हमारी इसरो टीम ने ऐसा कारनामा करके दिखाया है जो रूस जैसी महाशक्ति जिसमें विफल हुई है अभी 2 दिन पहले, ऐसा कारनामा हमारी इसरो टीम ने किया है। ये हम सब पूरे देशवासियों के लिए बहुत गर्व का विषय है, और इसी ने हमें विश्व की 3 नंबर की शक्ति बना के जो खड़ा किया है, ये आयाम हमारे लिए बहुत नया है, और मैं पूरे विश्व को, पूरे देशवासियों को, सबको बधाई देना चाहता हूँ। हर जगह हवन किए गए हैं, लोगों ने मिठाइयाँ बांटी है, हवन किए, लोगों ने दुआएं मांगी, जब तक लैंडिंग नहीं हुई, जब तक लोगों की धड़कनें बढ़ी हुई थी। जी, ये सभी के लिए, हम सभी के लिए बिल्कुल धड़कनें सभी की बढ़ी हुई थी, क्योंकि ये एंड मोमेंट तक इसके असफल होने का खतरा भी बराबर बना हुआ था, लेकिन हमें दृढ़ विश्वास था हमारे इसरो के वैज्ञानिकों पे, हमें पूर्ण विश्वास था कि हम जरूर कामयाब होंगे, और हमारे सभी लोगों की दुआओं का, उनके यज्ञ, हवन, पूजा पाठ, इन प्रार्थनाओं का ही असर रहा कि हमारी टीम को जो है वो कामयाबी मिली और हमारा चंद्रयान जो है वो लैंडर सकुशल वहाँ पर लैंड हो पाया। धन्यवाद। देखिए, चंद्रयान 3 आज भारत के लिए एक बहुत ही अद्भुत पल है। आज हमने चंद्रमा की धरती पर सफल परीक्षण किया है। ये आज भारत की एक नई सदी का एक नया इतिहास लिखने की ओर हम अग्रसर हुए हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात है, जिस विश्वगुरु की हम बात करते हैं, आज उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम भारत ने बढ़ाया है। इसके लिए मैं समस्त इसरो के वैज्ञानिकों, भारत की जो भी प्रणाली है जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भी आज हम एक सक्षम कदम बढ़ाने के लिए अग्रसर हुए हैं, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, समस्त इसरो स्टाफ एवं देश की समस्त जनता को भी धन्यवाद करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर विश्वास करके आपने एक सक्षम नेतृत्व करने वाले एक नेता को अपना नेता चुना, और ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा और सुखद विषय है। और पूरे देश में एक जैसे 1947 में आज़ादी मिली थी, उसी हिसाब से हमें एक टेक्नोलॉजी के लिए और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हम लोगों के लिए एक बहुत ही नया आयाम स्थापित हुआ है, और ये हम लोगों के लिए एक नया इतिहास लिखा जाएगा।